अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम कुकिंग की एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, मेरी वालदा की है। आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। सबसे पहले इसमें ऑयल डाला है, ऑयल में जो है वो प्याज डालना है। प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भूनना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। दूसरी तरफ हम जो है वो चिकन जो है वो फ्रीज हुआ होगा, उसको डीप फ्रीज कर रहे हैं। देसी घी का ये पानी छोड़ के इसके ऊपर डीप फ्रीज करने का, तो डीप फ्रीज होता है तो उसको हार्डी बना। ये जो प्याज है ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन होने के बिल्कुल करीब है। अब हम जो है इसके अंदर अपना लहसुन अदरक जो है वो शामिल कर देते हैं। ये जो है वो लहसुन अदरक है और साथ हमारे पास लहसुन अदरक का जायका जो है वो बहुत ही खुशबू आ रही है। हम इसको जो है वो लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट शामिल किया, अब हम इसको जो है वो भून रहे हैं। लाइट ब्राउन होने तक हमने इसको भूनना है। तो व्यूअर्स, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये जो मसाला आपको बताया था मेरी मदर इन लॉ ने, ये वो सारा मसाला जो हम इसमें डाल देते हैं और इसको साथ में भून लेते हैं। हल्का सा पानी का छट्टा दे देना ताकि मसाला जो है वो गले ना। ये आज जो हमारी हांडी है, अफ्तारी है, जो वो मिक्स बन रही है। कभी मैं इसमें डोई चला रहा हूँ, कभी मेरी मिसेस चला रही हैं, कभी मेरी मदर चला रही हैं, और आज मिल के काम कर रहे हैं। अफ्तारी आज दादू की तरफ है चुके, तो आज मैंने सोचा कि व्लॉग भी बनाया जाए और थोड़ा सा इसको कवर किया जाए और इनकी हेल्प भी हो जाएगी साथ साथ, और मैं भी थोड़ा सा किचन के काम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूँगा कि खवातीन जो है किचन में जो काम करती हैं उनको क्या क्या मुश्किल आती हैं और वो किस तरह मेहनत करके बनाती हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक करें अगर आपको पसंद आए। और ये आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है और आई एम श्योर कि आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। आपकी हौसला अफजाई चाहिए और वो हौसला अफजाई आप दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को शेयर करके वीडियो को, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आज की वीडियो स्पेशली लाजमी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। चिकन को हम अच्छी तरह भूनेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि जो टमाटर है इसको मैश करें इसके अंदर, और इसमें हल्का हल्का जो आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि कहीं पे भी जो है वो चिकन जो है वो जल ना जाए।
है, हमने मटर छील ली है और इसको अभी हम हांडी में डालेंगे। जी अब नेक्स्ट क्या है बैगन? अच्छा चिकन अच्छी तरह भून चुका है और बेगम साहिबा ने कहा है और अब हमने मटर डाल दी है इसके अंदर और मटर जो है वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं इसके अंदर ग्रीन ग्रीन और इसको अच्छी तरह हिलाते रहेंगे। साथ साथ मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि आप इसको हिलाएं। इसमें पानी भी डालना है अभी? अच्छा अभी हमने मटर भूनने हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मेरे कहने पर उन्होंने पानी डाल दिया है, थैंक यू, आपका शुक्रिया बेगम, आपने पानी डाल दिया। सो मटर जो है वो अब इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ मैं। सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है हांडी बनाने का। सो हम चिकन और मटर वाले जो है वो राइस बना रहे हैं और मैं तो वीडियो के एंड में बताना चाह रहा था लेकिन मिसेस जो है वो बोल पड़ी है यहाँ पे, बता दिया हमने क्या बना रहे हैं। अच्छी बात है, बता दिया, बताना तो था ही। कितने ग्लास डाल रहे हैं हम? 6 ग्लास पानी डाल रहे हैं व्यूअर्स और 1 किलो राइस है और बाकी कुछ मिक्स चीज़ें जो आपको दिखाएंगे। ये राइस हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के राइस हैं और ये अभी हम डालेंगे हांडी के अंदर। ये हम अब जो है इसमें नमक डाल रहे हैं, 4 टीस्पून जो है हमने चम्मच डाले हैं इसके ऊपर और ये इसके अंदर जीरा, ये वाइट जीरा या ब्लैक जीरा, ये जो सब जीरा ही डाल दिया, कड़ी पत्ता भी डाल दिया। ओके का भी जो है उसमें जायका आपने डाल लेना और कुछ और डालना, बस ये बॉयल होने का वेट करेंगे। अच्छा जी, अब हम बॉयल होने का वेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे फिर हम बाद में बताएंगे। ये इसमें बॉयल आ गया, अब हम इसको जो है वो ढक के रख देते हैं और आंच भी जो है वो इसकी आहिस्ता कर देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कलर निकल आया है और बड़े ज़बरदस्त राइस हुए वो अपने फॉर्म में आके, अभी हम इसको दम लगाएंगे। जी तो इसको दम लग गया 10 मिनट के लिए और फिर 10 मिनट के बाद इनका देखते हैं। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइस, चिकन राइस विद मटर के साथ जो है रेडी है सर्व करने के लिए। दूसरी तरफ जो है ये हम चिकन पकौड़ा बना रहे हैं। चिकन पकौड़ा में सबसे पहले जो है हमने बोनलेस चिकन लिया है, बोनलेस चिकन को जो है वो हम स्टीम कर रहे हैं, तो ये स्टीम होने तक जो है वो वेट करें इसका। ये हम चिकन का जो है पानी चेक कर रहे हैं ताकि सब पानी चेक हो सके कि वो खुश्क हुआ कि नहीं। अभी तक पानी खुश्क नहीं हुआ, हम इसे दोबारा जो है वो थाम देंगे ताकि ये जो चिकन है ये हमने तब तक स्टीम करना जब तक इसका जो है ये पानी खुश्क हो जाए। तो ये चिकन जो है वो अपने ही पानी में हमने स्टीम होने के लिए रखा हुआ है। अब ये देखें इस चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब ये जब खुश्क होगा बिल्कुल, इसमें जो है ना इसके एहतियात ये है कि इसमें चम्मच आपने चलाते रहना है। चिकन का जो है वो पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और अब जो है वो हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और अफ्तार के टाइम पे हम इसके पकौड़े बनाएंगे इंशाल्लाह। ये चिकन है ना, जो चिकन के पकौड़े बनेंगे बेसन के साथ, जब मैं तैयार करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है भैया। नहीं ना तो इनके लिए बेसन तैयार हो रहा है, आधा चम्मच मिर्च और नमक आधा चम्मच
बेसन हिसाब की जरूरत, बेसन हसबे जरूरत, और ये अपने हिसाब के साथ इसमें डालना है। अगर हल्का हल्का भी ठीक है, अगर ज्यादा गहरा लगाना तब भी ठीक है। चिकन पकौड़ा हमने कढ़ाई में डाल दिया है। चिकन पकौड़ा, हाँ जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, हमने पहले डाल दिए। और लाल मिर्चें डालें, सूखा धनिया 2 चम्मच साबुत, सूखा धनिया 2 चम्मच साबुत, सौंफ आधा चम्मच, थोड़े व्यूवर्स बन चुके हैं। सो फ्रूट जो है वो भी तैयार हो रहा है अभी फ्रूट चाट बनने के लिए। फ्रूट कम है, फ्रूट और लेकर आना जाके, मैं अभी जा रहा हूँ स्कूप लेने के लिए। जी तो व्यूवर्स, अफ्तारी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपने देखा हमने आज का व्लॉग बड़ा डिफरेंट बनाया और आपके साथ रेसिपीज भी शेयर की। और आपने अब अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और आज ताक रात है, जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था आपको कि आज इबादत की रात है और ये आखिरी जो 10 डेज हैं ये इबादत के हैं। इसमें बहुत ज्यादा इबादत करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मुझे यहां से दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।